बहुत तकलीफ में है, केजरीवाल बाहर आ गए। देखिए, केजरीवाल जी एक अपराधी की तरह बाहर आए हैं और जैसे अपराधियों को एक टेम्परेरी बेल मिलती है इमरजेंसी में या पारिवारिक कार्य के लिए, वैसे ही उनको चुनाव प्रचार के लिए मिली है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट की है, इतनी जिल्लत वाली बेल एक्सेप्ट की है। इसका मतलब उन्होंने माना है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी है, कहीं ना कहीं वो कन्विक्ट है, अदरवाइज वो ऐसी जिल्लत वाली बेल को कभी स्वीकार नहीं करते। वो तो भी अड़े हुए थे कि मैं तो ये कोर्ट में तय कर दूंगा। लेकिन कैंपचंद जी, आपको ये नहीं लगता कि जिल्लत वाली हार से अच्छा है कि जिल्लत वाली बेल ले लें? नहीं, वो ठीक है, जिल्लत वाली हार तो अभी भी मिलेगी, क्योंकि अब उनको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि देखिए मैं बाहर आ गया, मैंने कहा था। अरे बाहर कैसे आए हो आप? एक अपराधी की तरह इंटरिम बेल पे बाहर आए हो, आपको बेल नहीं मिली, आपको रेगुलर बेल नहीं मिली है, और ना ही आपकी जो गिरफ्तारी थी उसको गलत कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट लिखा है कि जो इंटरिम बेल दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप केस में साफ सुथरे हो, क्लीन चिट मिल गए, बिल्कुल नहीं। और आपके पास कोई अधिकार भी नहीं है, बिना अधिकार के आप बाहर आए हो। तो जनता पूछ रही है, इतना क्या लालच भाई, इतना क्या शीश महल की लग्जरी का लालच या कुर्सी का लालच कि आप दिल्ली को अपंग बनाए हुए हो, कहीं काम नहीं हो रहे, कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है और आप चुपके हो उसी बन के। आप हेमंत सोरेन जी से सीख लो, उनको जेल जाना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने दूसरे आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाया, आप क्यों नहीं बना सकते? क्या डर है आपको, क्या लालच है, क्या परेशानी है? तो ये अपने आप में दिखाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, जेल से सीएम बना हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री कन्विक्ट की तरह, अपराधी की तरह, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के जेल से बाहर आते ही जो पहली पीसी करे, उसके बाद अमित शाह को उसका जवाब देना पड़ जाए। नहीं तो अमित शाह जी को जवाब तो देना पड़ेगा। अब इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो हमारे राहुल गांधी जी से बड़े नेता हैं, तो अगर वो विपक्ष में हैं तो हम तो विपक्ष के सभी नेताओं को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बराबर का सम्मान देते हैं। अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो जवाब देना तो हमारी ड्यूटी है।